हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB की तरफ से आई एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं JKSSB की जितनी भी अपडेट होती है वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूं, और इसके रिकॉर्डिंग जितनी भी पोस्ट आती है उसका सिलेबस जो मैं जो है सिलेबस के जो रिकॉर्डिंग वीडियोज़ होते हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज जो अपडेट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको जहाँ पे बता दूं, तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, नोटिफिकेशन नंबर 3rd of 2020 के अंडर आते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन पोस्ट के लिए सीकिंग और प्रेफरेंसेस जो हैं मांगी गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं। तो जैसे ही आप JKSSB.NIC.IN पे विजिट करते हैं तो जहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक कॉलम दिखेगा जहाँ से आप प्रेफरेंसेस जो हैं फिल कर सकते हैं, सीकिंग ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टीज जो हुई थी नोटिफिकेशन नंबर 3rd of 2020 के अंदर। अब सेकेंडली इसमें मैं अगर हम बात करें तो सेकेंडली आप यहाँ पे देख सकते हैं जे आप एडिट ऑप्शन आया है एक नोटिफिकेशन नंबर 4 जो निकाली गई थी JKSSB के द्वारा। उस 4 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, नोटिफिकेशन नंबर 4 of 2021 के अकॉर्डिंगली वहाँ पर बहुत सारी पोस्ट थी, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 300+ पोस्ट थी। तो उसका एक बार जो है फॉर्म फिलअप हो गया था, अब दोबारा से इसका जो है एडिट ऑप्शन आया है। एडिट ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म को फिलअप कर दिया है, मगर उनके फॉर्म में कोई अगर एरर रह गया है तो विद द हेल्प ऑफ एडिट ऑप्शन आप अपने फॉर्म को दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 5th of 2021, जिसमें 400+ पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं जे नेक्स्ट मंथ से इसके जो फॉर्म लगना शुरू होंगे, यानी कि अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और नवंबर तक चलेंगे, तकरीबन आपके पास एक मंथ होगा, तो एक मंथ के अंदर अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलरेडी सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं फिर से बता देता हूँ। प्रेफरेंसेस के लिए ये ऑप्शन जो है एक्टिवेट कर दिया गया JKSSB ने। सेकंडली एडिट ऑप्शन जिन कैंडिडेट ने 4th of नोटिफिकेशन नंबर 4 of 2021 के फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए बता दूं जहाँ पे फॉर्म एडिट ऑप्शन आ गया है। देन नोटिफिकेशन नंबर 5th of 2021 के अंदर 462 पोस्टें जो थी कट है, अगर आप देखें तो जहाँ पे आपको ये लिंक दिखेगा तो ये लिंक जो एक्टिवेट होगा, यानी कि आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। ये आपके नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर से स्टार्ट होगा, नवंबर तक चलेगा। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में कौन कौन सी अपडेट आई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है फॉर दी पोस्ट ऑफ यूनियन फार्मिस्ट की सिलेक्शन लिस्ट है, और ये आती है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट कैडर कठुआ की ये पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। और ये एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो 6 of 2015 के अंडर आती है, और आइटम नंबर 519 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे देख सकते हैं जितने भी लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप किया है। और सिलेक्शन लिस्ट मैं आपको बता दूँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ की ये सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी गई है, और नोटिफिकेशन नंबर 6 of 2015 के अंडर आती है। और आइटम नंबर अगर मैं जहाँ से दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, आइटम नंबर रहेगा आपका 519, यानी कि इसकी सिलेक्शन लिस्ट आउट हो चुकी है। सेकेंडली जो अपडेट की गई है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें अब आपको बता दूं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जो है सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है, ये आती है आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और मैं आपको बता दूं ये स्टेट कैडर की पोस्टें थी, और ये नोटिफिकेशन नंबर 1st of 2017 के अंडर आती हैं, और आईटी नंबर मैं आपको बता दूँ 007 है। तो जहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट जो है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। फर्स्टली सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है जूनियर फार्मिस्ट की, और सेकेंडली जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जो है सिलेक्शन लिस्ट जहाँ से निकाल दी गई है, ये आती है 007, यानी कि ये जो आपका आईटी नंबर रहेगा, और नोटिफिकेशन नंबर 1st of 2017। तो ये अपडेट है JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद एक प्रेस रिलीज की गई थी कल, इसके बारे में आपको शायद पता होगा, और प्रेफरेंसेस सीकिंग के लिए जहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोटिस निकाला गया था JKSSB के द्वारा, ये भी कल का निकला था। और ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो पोस्टें जो ये ड्राइवर की, ये भी इसका जो है टेस्ट के लिए इसका जो है नोटिस कल निकाला गया था, फर्स्ट पेज का होगा। तो ये थी आज की JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।